हम पढ़ने वाले हैं तुलनात्मक अध्ययन का पेज नंबर 11 और 12। तो आइए देखते हैं पेज नंबर 11 और 12 में क्या क्या क्वेश्चन है जो एग्जाम में बनते हैं। तो सबसे पहले इसमें तुलनात्मक अध्ययन में जो ओस्ट रोग हैं उनका तुलनी उनकी तुलना की गई है। तो जो सालक्य में हम ओस्ट रोगों को पढ़ते हैं उनकी संख्या जो है वो सुश्रुत में कितनी बताई गई है, 8 बताई गई है। आमतौर पे यह फिगर चरक का होता था 8, लेकिन यहाँ सुश्रुत ने बताई 8। और दोषानुसार वाता पित्तज कफ सन्निपातज रक्तज, अब सुश्रुत तो रक्त को दोष मानती ही है तो यहाँ तक तो दोष ही हो गए। उसके बाद में ये तीन और हैं मांसज मेदज और अभिघातज, और ये सुश्रुत में जो निदान स्थान का चैप्टर नंबर 16 है उसमें बताए गए हैं। तो आमतौर पर पिक्चरों में हम देखते हैं कि हीरो को कोई मारता है तो उसके ओंठों से खून आने लगता है किनारे से, उसके बाद में हीरो गुस्सा हो जाता है और वो बोलता है अब मैं मारूंगा, मतलब अभी तक तो मार खाइए, जब ओंठों में से खून निकल आता है तो बोलता है अब मैं मारूंगा। तो अब मैं मारेगा वो, मतलब तो ये तीन जो है हमारे, अब मतलब अभिघातज हो गया, मांसज और मेदज जो है वो सुश्रुत ने बताए। कौन कौन से? मांसज मेदज और अभिघातज। बात करते हैं बागवत की, तो बागवत में 11 बताए हैं, अष्टांग संग्रह ने बताए हैं, संख्या 11 है। तो जो सुश्रुत के 8 होते हैं उसके अलावा उनने खंडोष्ठ है ना, जो कि ओंठ दो भागों में विभक्त होते हैं, क्रेप्ट लिप्स कहते हैं जिसको। ओष्ठ अर्बुद, ओंठ में अर्बुद के समान जो है वृद्धि हो जाएगी, और जलार्बुद, ऐसे करके तीन अष्टांग संग्रह ने अलग से बताए हैं। तो हमने कहा यार ये 8 कम थे कि तुमने ये बता दिए, ये खाज कहाँ से ले आए तुम? खाज मतलब हम तो इसी को पढ़ नहीं पा रहे थे, तुम और खाज लेके आ गए। तो ये खंडोष्ठ का खा हुआ और ओष्ठ अर्बुद का जो है वो ए हुआ और जलार्बुद का जे हुआ, तो ये ओंठों में खाज लेके आ गए हमारे अष्टांग संग्रह कार। ठीक, इसके बाद में इस प्रश्न में गर्वणी को यवागु देने का विधान बताया गया है। तो चरक के सारे स्थान में कंपेरिजन करते हुए अपन पढ़ते हैं, इसके अलावा सुश्रुत में भी आता है। तो चरक में तो जो है 8वें मास में क्षीर यवागु बताया गया है, सुश्रुत में पहले 6वें महीने में बताया गया है, क्योंकि यवागु यवराज है, यवागु यवराज है, तो यवागु में जो रेशो होता है वो कितना होता है, 1:6 का रेशो होता है। यवागु में रेशो जो है वो 1:6 का होता है, इसलिए सुश्रुत संहिता में सबसे पहले 6वें महीने में बताया है, ऐसा हमें याद करना है। 6वें महीने में गोक्षुर औषध देते हैं उस, या तो घृत के साथ दे सकते हैं या यवागु के साथ दे सकते हैं। तो सुश्रुत में पहले 6वें महीने में यवागु आता है, उसके बाद 9वें महीने में भी लिखा है स्निग्ध यवागु जांगल रस सहित प्रसव काल तक देना चाहिए। तो 6वें और 9वें दोनों महीने में सुश्रुत में यवागु बताए गए हैं। पारिक में ये नहीं लिखा हुआ है, केवल 6वां लिखा हुआ है, क्योंकि वहां पर सबसे पहले का क्वेश्चन बनाया है, लेकिन हमें ये ध्यान रखना है कि कहाँ कहाँ बताया गया। तो 6वें में भी है और 9वें महीने में भी है। चरक में 8वें में है, तो चरक में 8वां तो फिगर ऐसा होता है कि उसको ज्यादा याद ही नहीं करना पड़ता है। चरक में 8वें महीने में क्षीर यवागु बताया हुआ है। अब बढ़ते हैं गर्वाणी को बस्ती देने का विधान। तो सुश्रुत खतरों से खेलते हैं, वो डरते नहीं है। तो 8वें महीने में आमतौर पे ओज अस्थिर रहता है, कभी माता में कभी बच्चे में रहता है, ऐसे टाइम पर भी सुश्रुत बस्ती देने से नहीं चूकते हैं। और आस्थापन अनुवासन दोनों बस्ती बताई है, आस्थापन में उनने बद्रोह तक बताया हुआ है कि बद्रोह तक का प्रयोग करना चाहिए, और अनुवासन बस्ती बताइए तेल की। सुश्रुत के बाद चरक में आते हैं, तो चरक में 9वें महीने में बस्ती बताइए। तो ये फैक्ट है, जब डिलीवरी करानी होती है तो अपान वायु का काम है मल को निकालना, मूत को निकालना, गर्भ को निकालना। तो अगर अपान वायु जो है वो इन्वॉल्व रहेगी किसी और काम में तो वो गर्भ को नहीं निकाल पाएगी, इसलिए हम लोग डिलीवरी से पहले एनीमा दे देते हैं। एनीमा देने से पेट साफ हो जाता है और उसके बाद में लेबर पेन चालू हो जाते हैं और बच्चे पैदा होते हैं, अक्सर ये केस देखते हैं अपन। तो चरक ने इसीलिए 9वें महीने में अनुवासन बस्ती बताइए।
अब बढ़ते हैं प्रसूति कार में स्त्रियों की जो है संख्या, यानी कि जो ओटी में अटेंडर होती हैं, जो आपकी मदद करती हैं ड्यूरिंग द डिलीवरी लेबर पेन, उनकी संख्या कितनी बताई गई है। तो सूती कार में स्त्रियों की संख्या जो है वो चरक बोलते हैं, अनेकों स्त्रियां होनी चाहिए, मतलब जितनी मदद मिल जाए उतना अच्छा है। चरक सारिस्थान में प्रसंग आता है। सुश्रुत में केवल चार स्त्रियां बताई गई, उन्हें कहा है निसंक, वृद्धा, प्रजनन कुशल, जो प्रजनन करने में कुशल हो या एक्सपीरियंस हो, नख कर्तित, उनके नाखून वगैरह कटे होना चाहिए। ऐसी चार स्त्रियां गर्वाणी की सेवा में रहें, ऐसा प्रकरण सुश्रुत के सारिस्थान 10 में आता है। तो कुल मिला के चार स्त्रियों की बात कह रहे हैं सुश्रुत अटेंडर के रूप में रहनी चाहिए। अब आते हैं 20 या अगस्त का वर्णन संहिताओं में कहाँ कहाँ मिलता है। तो सबसे पहले चरक संहिता में तो हम जानते हैं, चरक संहिता में चिकित्सा स्थान का 23वां चैप्टर है, जिसका नाम है विश्व चिकित्सा अध्याय। तो चरक में एक ही चैप्टर है। सुश्रुत में पूरा कल्प स्थान है जहाँ पर अगस्त का वर्णन किया गया है। अष्टांग संग्रह, अष्टांग हृदय दोनों में उत्तर स्थान में अगस्त का वर्णन किया गया है। संग्रह ने सबसे ज्यादा चैप्टर बताया, सबसे ज्यादा चैप्टर यानी सुश्रुत के कल्प स्थान में भी 8 ही चैप्टर हैं। यहाँ पर जो है उत्तर तंत्र में 9 चैप्टर हैं, 40 से लेके 48 तक। और ये वृद्ध हैं तो थोड़ा नंबर बाद में लगा है, संग्रह का 40 के बाद लगा है। टोटल 9 चैप्टर हैं यहाँ पर। और अष्टांग हृदय क्योंकि यंग हैं जल्दी नंबर लग गया है, 35 से 38 केवल 4 चैप्टर विस्के हैं। तो ये हमें गौर करना है, अष्टांग संग्रह ने संग्रह कर रखा है, ज्यादा चैप्टर हैं। काश्यप में एक सर्व विधि विष प्रतिपातक अध्याय है, जो कि बहुत छोटा सा अध्याय है और बुक में थोड़ा फटा हुआ है, इसलिए ज्यादा इसका डिटेल पढ़ने को नहीं मिलता है। पर काश्यप में भी चरक के समान एक अध्याय है। अब आते हैं, एक कंफ्यूजन हमेशा रहती है कि उपविष क्या कहलाते हैं और विष क्या कहलाते हैं। तो जो पेड़ पौधे होते हैं उनमें सुश्रुत ने 55 ऐसे स्थान बताए हैं जिसमें पत्र आता है, पुष्प आता है, फूल आता है, कंद आता है, मूल आता है, धातु आता है, जिनमें विष होता है। तो उनमें से जो कंद विष होते हैं यानी जो 13 होते हैं, कंद विषों की संख्या 13 है, उनको छोड़कर जो मूल पुष्प आदि के विष होते हैं उनको उपविष कहा जाता है। तो एक जो है कंद विष होते हैं जो कि सबसे हैवी होते हैं, और दूसरा उपविष होते हैं, दूसरा बाकी सब क्या हो जाते हैं, उपविष हो जाते हैं। इनकी संख्या की बात करते हैं तो रसायनों में इनकी संख्या 5 बताई है। आणव का मतलब होता है अग्नि, अग्नि हमारे शरीर में 5 होती है, ऐसा करके आप याद कर लेना है। मैं जैसा आपको माँ बाप बोलते हैं ना, जैसा बोला जाए वैसा याद करो। तो रसायनों में आणव में अग्नि होती है, अग्नि में अग्नि की संख्या कितनी है, 5। रस संकेत कलिका में संकेत आता है, संकेत जैसे अपन मैच देखते हैं, क्रिकेट देखते हैं, तो उसमें एक संकेत होता है, एम्पायर जो है अपने दोनों हाथ ऊपर उठा लेता है, तो उसको उसको इशारा उसको क्या बोलते हैं, 6। व्हाट आई यूज 6, है ना। तो 6 का प्रेजेंट करने का एक संकेत होता है। संकेत जो है कालिका ने कितने बताए हैं, 6 बताए। फिर बहुत सारे लोगों ने साथ में मिलके 7 बताए, बहुत सारे लोगों ने साथ में मिलके 7 बताए। तो पहले तो रसास्त्र वाले मिल गए, रसेन चिंतामणि, चिंता क्यों लेते हो, रसेन चिंतामणि, रसेन सार संग्रह, है ना, मेरे पास सारे हैं, रस रस समुच्चय। तो ये इनने कितने बताए हैं, 7। कौन से, रसेन चिंतामणि, रसेन सार संग्रह, समुच्चय। तो यहाँ रखने का तरीका, चिंता सार समुच्चय, चिंता सार समुच्चय, इनने कितने बताए हैं, 7 बताए हैं। फिर आमतौर पे हम जो लघु उत्तरायी पढ़ते हैं उसमें माधव सारंगधर और भाव प्रकाश आता है, यहाँ पर इन दोनों ने क्या कर लिया, अपने साथ माधव की जगह योग रत्नाकर का योग कर लिया। लघु उत्तरायी में यहाँ पर 7 बताने के लिए किसका योग कर लिया, योग रत्नाकर का योग कर लिया। और इस बात को कौन प्रकाश में लाया, आर्वेद प्रकाश, कि भैया देखो ऐसा हो गया, लघु उत्तरायी वाले माधव को भगा दिया क्योंकि वो 7 नहीं बता रहा था, उस योग रत्नाकर को अपने साथ में ले लिया। तो ऐसी कहानी गढ़ के इसको याद रखना है आपको, ये चिंता सार संग्रह यानी रसेन चिंतामणि, रसेन सार संग्रह, रस समुच्चय में संख्या जो है वो 7 है, लघु उत्तरायी में माधव की जगह योग रत्नाकर है और आर्वेद प्रकाश है, इनने 7 बताए हैं। तरंग जो आती है, मतलब जैसे अपन करंट पढ़ते हैं, तरंग पढ़ते हैं, तो एक से एक, पहले एक आया फिर दूसरी आई, तो तरंग जो है एक पे एक तरंग आती है, ऐसे करके तरंगिणी की संख्या हमें 11 याद रखनी है। तरंगिणी और समुच्चय ही मेन है, इन्हीं का एग्जाम में पूछा जाता है कि समुच्चय ने कितने बताए और तरंगिणी ने कितने बताए।
उपनिषद का मतलब होता है गुरु के पास बैठना। तो गुरु ने बोला भैया जब 55 थे, 55 में से 13 निकाले तो वैसे ही 42 बचना चाहिए थे यार, 42 नहीं तो कम से कम 40 तो बताओ। उपनिषद ने क्या बोला, उपनिषद का मतलब होता है गुरु के पास बैठ के अध्ययन करना। तो गुरु ने बोला भाई जब 55 होते थे उसमें से 13 तुमने निकाल दिए, चलो 13 धातु विस भी निकाल दो, फेनास्म हड़ताल, तो 40 तो बचेंगे कि नहीं बचेंगे। हाँ हाँ गुरु जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, 13 तो कंद विस निकल जाएंगे, धातु विस भी निकल जाएंगे, तो बाकी 40 तो बचेंगे। तो रसोपनिषद में कितने बताए हैं, 40 बताए, ऐसा हमें याद करना है। ठीक, इसके बाद बढ़ते हैं स्वर भेद में। तो स्वर भेद की संख्या ये तो अपन पहले भी समझ चुके हैं, रिपीटेशन है जय, कि स्वर भेद का वर्णन जो है वो चरक में ना तो अष्टोरुद्ध अध्याय में आता है, ना ही आपके चरक जो है जो 26वां चैप्टर है त्रिमर्म सिद्धि वाला वहां पर आते हैं। जो राजयक्षमा का लक्षण होता है स्वर भेद, वहां बताया गया है कि स्वर भेद के लक्षण जो है वो 6 होते हैं। तो स्वर भेद का वर्णन जो है वो शोष चिकित्सा में है ना, शोष राजयक्षमा की चिकित्सा में आता है। जो राजयक्षमा के एकादश लक्षण होते हैं उनमें आता है कि स्वर भेद 6 कारणों से हो सकता है, 6 प्रकार का होता है। एक तो आपका वातज, दूसरा है पित्तज, तीसरा है कफज, चौथा है रक्तज। कांस वेग के कारण स्वर भेद होता है, खांसी आती तो आवाज चेंज हो जाती है, और जुखाम होता है तो भी आवाज चेंज हो जाती है। तो कांस वेगात और पीनस ये उनने है ना, किसी की आवाज चेंज होती है तो सबसे पहले पूछते क्यों सर्दी हो गई क्या, तो कांस वेगात और पीनस ये चरक ने बता रखे हैं स्वर भेद की संख्या कितनी होती है, 6। चरक के समान ही बाकी आचार्य भी 6 ही मानते हैं, सुश्रुत, बागवत, माधव, सारंगधर, ऑलमोस्ट जो है यहाँ पर लघु त्रय के आपके मतलब भाव प्रकाश छोड़ के पूरे आ गए सभी। अगर भाव प्रकाश भी आ जाते तो अपन ये कह देते कि लघु त्रय विरत में 6 होते हैं। तो बाकी सब में 6 ही हैं, वात, पित्त, कफ, सन्निपात, क्षय और मेदोजन। तो ये अलग बताए इन्हें, देखो वात, पित्त, कफ, सन्निपात बताया हुआ है, 6 बताया हुआ है, क्षय और मेद के कारण भी होता है। मैं खोली, यानी जिनके अंदर बहुत ज्यादा फैट होता है उनकी आवाज भी थोड़ी अलग होती है बोलने बोलते समय। तो क्षय और मेदोजन जो है वो किन्ने बताए, सुश्रुत, सुवा, सुश्रुत, बागवत, माधव और सारंगधर ने बताए, ये हमें ध्यान रखना है। फिर बढ़ते हैं आरोचक के भेदों में। तो आरोचक चरक में जहां पर भी भेद बताए गए हैं तो भेद का प्रकरण जो है कैसे तय होता है, अष्टोत्तरी अध्याय से होता है। तो चरक में सबसे पहले अष्टोत्तरी अध्याय में बताया गया है कि 5 वेदों में 5 प्रकार के आरोचक होते हैं, वातक, पित्तज, खपज, सन्निपातज और द्वेषजन। और जब यही हम चरक के 26वें चैप्टर में पढ़ते हैं तो वहां द्वेषजन की आगुंतुज हो जाता है, ये 19वां चैप्टर है। इसके बाद में जब हम चरक का चैप्टर पढ़ते हैं चरक चिकित्सा 26 त्रिमर्म जो है सिद्धि अध्याय, तो वहां पर द्वेष की जगह क्या हो जाता है, आगुंतुज हो जाता है। तो वो द्रणवल द्वारा पूरित है, वो चरक का चैप्टर नहीं मानते अपन उसको, वो चैप्टर किसके द्वारा पूरित है, द्रणवल द्वारा पूरित है, इसलिए थोड़े अलग हैं वहां पर। सुश्रुत में 5 हैं, वात, पित्त, कफ, सर्वज और चित्त विपर्यय के कारण होता है, यानी मन को कोई चीज अच्छी नहीं लग रही तो उसके कारण भी आपको अरुचि उत्पन्न हो जाती है, नहीं खाना सब्जी बेकार बनी है मैं नहीं खाना, तो चित्त विपर्यय भी एक रीजन है। अब आते हैं दोहेदिया में। तो दोहेदिया किसे कहते हैं, दोहेदिया गर्भ में जीवात्मा आने पर दोहेदिया संज्ञा होती है, यानी कि जब मतलब जो माता का हृदय रहता है उसमें एक और आत्मा प्रवेश कर गई तो दोहेदिया कंडीशन वो कहलाती है, जीवात्मा आने को दोहेदिया कहते हैं। चारक और काश्यप मानते हैं तीसरे महीने में दोहेदिया उत्पन्न हो जाती है। मैंने पहले भी समझाया है कि जब प्लेसेंटा का निर्माण होगा तो स्टार्टिंग कंडीशन को चरक और काश्यप ने तीसरे महीने में मान लिया, सुश्रुत कंप्लीट होने पर मानते हैं तो चौथा महीना बताते हैं कि दोहेदयावस्था कब होती है, चौथे महीने में होती है। और अष्टांग संग्रह अगर मानते हैं तीन पक्ष यानी 45 45 दिन के बाद, 15 थी 45, 45 दिन के बाद से लेके 5 महीने के पहले कभी भी दोहेदयावस्था हो सकती है। तो संग्रहगान ने ज्यादा टाइम का संग्रह कर रखा है, संग्रहगान ने क्या कर रखा है, ज्यादा टाइम संग्रह कर रखा है, ज्यादा टाइम बता रखा है कि तीन पक्ष के बाद यानी 15 थी 45, 45 दिन के बाद से लेके 5 महीने के पहले कभी भी दोहेदयावस्था हो सकती है। इसके बाद बढ़ते हैं नाभिनाल छेदन में। तो नाभिनाल छेदन करने के लिए
जो यंत्र है वो अर्धधार बताया गया है। ये इसका वर्णन चरक के सारे स्थान के 8वें चैप्टर में है। न जो नवजात शिशु परिचर्या का वर्णन आता है चरक सारे अध्याय 8 में, वहां पर जो शस्त्र बताया गया है नाभिनाल छेदन के लिए वो है अर्धधार। जो अपना ब्लेड होती है उसमें दोनों तरफ धार होती है, ये ऐसा है जिसमें एक तरफ धार रहेगी। अर्धधार शस्त्र का प्रयोग करना चाहिए। जो अपने चरक सुश्रुत हैं वो बताते हैं कि 8 अंगुल में काटना चाहिए, और जिसके नाम में खुद अष्टांग है वो बताते हैं कि 4 अंगुल पे काटना चाहिए। तो ये थोड़ा सा याद रखने का तरीका है कि चरक सुश्रुत 8 अंगुल मांगते हैं और बागभट्ट जो है वो 4 अंगुल बताते हैं। फिर आते हैं अन्न प्राशन संस्कार में। तो अन्न प्राशन संस्कार में काश्यप 2 कंसेप्ट लेके आते हैं। एक तो होता है फल प्राशन, यानी जब दांत पूरे नहीं निकले तो फल खाओ, तो 6वें महीने में फल प्राशन कराते हैं। आधा दर्जन केले लेके आ गए, आधा दर्जन का मतलब 6 हो जाएगा, तो 6वें महीने में फल प्राशन बताया है। आधा दर्जन केले खाता है गरीब आदमी, पूरे दर्जन नहीं खरीद पाता है। काश्यप जो है वो 10 महीने में अन्न प्राशन बोलते हैं कि 10 महीने यानी दांत पूरे निकल चुके हैं, अब 10 महीने में अन्न प्राशन कराना चाहिए। प्रजापत नक्षत्र में कराना चाहिए, जैसे पुंसवन जो है पुष्य नक्षत्र में होते हैं, वैसे अन्न प्राशन जो है वो प्रजापत नक्षत्र में कराने का विधान है। अन्न खिलाने के लिए आपको अन्न को अंगुष्ट मात्रम अंगूठे से अंगूठे में लेकर सुमृदतम अन्नम मसला हुआ अन्न 3 से 5 बार देना चाहिए। तो अंगूठे से मसला हुआ होना चाहिए अन्न, यानी कि सीधा साबुत नहीं देना है आपको, थोड़ा मसल के देना है। और अन्न जो है वो 3 दोषों के लिए होता है, वात पित्त कफ, अपन सभी जानते हैं अन्न से वात पित्त कफ की उत्पत्ति होती है, और हमारा अन्न जो है वो पंच महाभौतिक होता है। तो 3 से 5 ऐसा फिगर, इसको 1 से 2, 2 से 3 कितने बार देते हैं ऐसा एग्जाम में पूछ लेते हैं, तो संख्या याद रखनी है कि 3 से 5 बताया है अन्न जो है उससे दोषों की उत्पत्ति होगी और पंच महाभौतिक भी होता है अन्न। ठीक, फिर आते हैं सुश्रुत में। तो सुश्रुत में अन्न प्राशन संस्कार जो है वो बताया है 6वें महीने में, कि 6वें महीने में अन्न प्राशन संस्कार करा देना चाहिए। तो काश्यप फल प्राशन लाते हैं, लेकिन सुश्रुत तो खतरों से खेलते हैं, उन्हें डर लगता ही नहीं है, डर नहीं लगता, कुछ ज्यादा टेंशन लेते नहीं है, तो उन्हें सीधा सीधा अन्न प्राशन 6वें महीने में ही बता दिया है। बाद में आया सारंगधर, सारंगधर ने कहा थोड़ा संभल के बताना पड़ेगा, गलती नहीं हो जाए, तो उन्होंने कहा दांत निकलना चालू करते हैं 4थे महीने से 8वें महीने के बीच में, तो 6 से 8 बोल दिया, 6 या 8 महीने के बीच में अन्न प्राशन संस्कार करा सकते हैं। तो दोनों के बीच की कंडीशन बताई है सारंगधर ने, 6 से 8। फिर आओ कर्ण भेदन संस्कार। तो सुश्रुत ने बताया 6वें या 7वें महीने में उत्तम तिथि करण मुहूर्त नक्षत्र में बालक के देव कृच्छित में, ये काश्यप में उसमें नहीं लिखा है पारिक में, लेकिन हमको ध्यान रखना चाहिए कहाँ कराते हैं, तो देव कृच्छित में कराते हैं। देव कृच्छित कहने का मतलब है कान को हम लेके उसमें से रोशनी आर पार का हो जाएगी, ऐसा एक स्थान दिखाई देगा जब, उसको देव कृच्छित कहेंगे। ये शालक्य में भी आता है, जब हम लिंगनाश का वो करते हैं शस्त्रकर्म करते हैं तो वहां पर भी आता है देव कृच्छित। शिशिर ऋतु में इसलिए कराने जा रहे हैं क्योंकि शिशिर में जो है वो हीलिंग जल्दी होती है, घाव जल्दी भरते हैं, तो इसलिए शिशिर ऋतु में कराने के लिए बोला है। बागभट्ट यानी अष्टांग ने 8वां महीना जोड़ा है, जो बागभट्ट हैं जिसको अष्टांग कहते हैं उनने 8वां महीना जोड़ रखा है, 8वें महीने तक भी करा सकते हैं। तो सुश्रुत केवल 7वां महीना ही बताते हैं 7वें महीने तक, और बागभट्ट ने एक और महीना जोड़ के 8वें महीने तक भी कर्ण भेदन संस्कार को सही माना है, करा सकते हैं। अब आते हैं नाभिनाल कर्तन जन विकारों में। तो चरक ने नाभिनाल कर्तन जन विकार 4 बताए हैं। लिखा है असम्यक कल्पने ही नाड़िया आयामो व्यायामो उत्तीर्णलिका पिंडलिका बिनामिका बीजम्बको बोधव्यो भयम, या 6 विकारा चतुर्विकारा ऐसा संख्यावाची तो आता नहीं, पर इसमें से आयाम और व्यायाम यानी कि उसका हाइट और वो बढ़ता है ये लिखा हुआ है। इसके अलावा जो रोगों के नाम दिया उसमें उत्तीर्णता आता है, जिसका मतलब है मोटी बाहर को निकली हुई हो जाती है, नाभि ऊपर उठ जाती है, उत्तीर्णलिका जो है वो ऊपर उठ जाती है, पिंडलिका जो है वो पिंड के समान हो जाती है, कठोर कठिन गोल,
बिनामी का जो है वो किनारों पे उठी रहती है, किनारों पे ऊंची रहती है और बीच में दबी रहती है। तो किनारों पे ऊंची और बीच में दबी हुई ऐसा होना चाहिए। तो यहाँ पर देखो बिनामी का जब लिखते हैं तो ये किनारों पे उठी हुई है ना, ये देखो मैंने लिखा तो किनारों पे उठा है और ना बीच में ये दबा हुआ है। ये किनारों पे उठी और बीच में दबी जो है वो कौन सी होती है, बिनामी का होती है। बीज अंबिका है, अम्लाइकल हनिया कहते हैं इसको। इसमें नाभि का बार बार घटना या बढ़ना देखने को मिलता है। तो नाभि का बार बार घटना या बढ़ना वो किसका लक्षण है, बीज अंबिका यानी अम्लाइकल हर्निया का। अष्टांग संग्रहकार चूंकि एक्सपीरियंस है, वृद्ध बागवत है, तो जो बूढ़ा व्यक्ति है जब वो कोई काम करता है तो उससे गलतियां कम होती हैं। तो इनने असम्यक कल्पना नाभे स्यात् बिनामिका बीज अंबिका केवल दो ही बताए हैं। तो ये अष्टांग संग्रह यानी जो बाघभट्ट हैं, जो बाघभट्ट कहते हैं अपन जिनको, वृद्ध बाघभट्ट कहते हैं, वृद्ध जिनको कि अपन वृद्ध बाघभट्ट कहते हैं, वृद्ध बाघभट्ट, उनने बा से चालू होने वाली दो बचा के रखी हैं, बिनामी का और बीजम्बी का, है ना। ये बाघभट्ट ने दो बता रखी हैं, बिनामी का और बीजम्बी का, चरक में जो है वो तुंडलिका और पिंडलिका अलग से थी। फिर आओ दंतोद्भेदन काल क्या है, तो काश्यप मानते हैं चौथे महीने में दंतोद्भेदन चालू हो जाता है, आठवें महीने के दंत संपत कहलाते हैं। तो पूरा वर्णन है उसमें, चौथे महीने में दांत निकलने पर क्या होता है, पांचवें महीने में क्या होता है, छठवें महीने में क्या होता है, सातवें महीने में क्या होता है, और 8 महीने वाले तो दंत संपत होते हैं। बागवत ने कहा हमारे दांत तो सही निकले हमेशा, तो उनने सीधा सीधा 8वां महीना ही बताया अष्टांग ने। इसके बाद देखते हैं वमन विरेचन व्यापक, तो वमन विरेचन व्यापक की संख्या चरक में सबसे कम है, काय चिकित्सा के हैं, गलतियां कम हो रही हैं, 10 बताए हैं केवल। बागवत नकलची हैं वो भी धीरे धीरे सीख गए, 12 बताए हैं। उसको सर्जन है उनका काम नहीं है भैया वमन विरेचन कराना, तो उनने ज्यादा व्यापक बताए हैं यानी कि उनसे ज्यादा गलतियां हो रही हैं। तो सुश्रुत में सबसे ज्यादा है कितने, 15। अब बढ़ते हैं बस्ती नेत्र प्रमाण के बारे में। तो बस्ती नेत्र प्रमाण का वर्णन चरक में सिद्धि स्थान में है, तीसरा चैप्टर है चरक सिद्धि का, वहां पर बस्ती नेत्र प्रमाण बताए गए हैं। सुश्रुत संहिता में 35वां चैप्टर है, 35 चैप्टर, 9वां श्लोक है, उसमें बस्ती नेत्र प्रमाण बताए गए हैं। और अष्टांग में जो है सूत स्थान में, सूत स्थान का है, 19वां चैप्टर है, इसमें 10वें श्लोक में बताए गए हैं। तो सबसे पहले चरक का श्लोक देखते हैं। चरक ये कहते हैं कि 6 वर्ष में 6 अंगुल, छोटे बच्चों को नहीं दे रहे हैं वो, ये कहते हैं 6 वर्ष में 6 अंगुल जो है बस्ती नेत्र का प्रमाण होता है, और 12 वर्ष में हो जाता है 8 अंगुल, और 20 वर्ष में हो जाता है 12 अंगुल। तो चरक ने 6 में 6 बताए, ये पहली चीज हमें ध्यान रखना है, 6 में 6, ठीक है। 6 के बाद में वो डबल करते हैं, यहाँ पर डबल हो जाता है 12, ठीक है, और इसके बाद में यहाँ 18 कर देते तो हमारा काम खत्म हो जाता, लेकिन 18 को इनने 2 और छूट दे दी 2 साल की, तो ये 20 साल बताया। 6 12 18 के बाद में 20 साल बताया, 20 साल में कितनी होती है, 12 अंगुल होती है। तो क्रमशः जो है 6 वर्ष में 6 है, 12 वर्ष में 8 अंगुल है। कला यानी मटर के दाने को कहते हैं, मटर के दाने का प्रमाण होता है, उसमें छेद होता है, और करकंदू बेर को कहते हैं, बेर के दाने के बराबर उसमें छेद होता है। सुश्रुत में आते हैं तो सुश्रुत ने 1 वर्ष में 6 अंगुल बताया, सुश्रुत खतरों से खेलते हैं तो 1 वर्ष से चालू हो गए, 1 वर्ष में 6 अंगुल बताए, 8 वर्ष में 8 अंगुल बताए। तो ये इंपोर्टेंट है, चरक में 6 में 6 था, सुश्रुत में आ गए 8 में 8, ठीक। 16 वर्ष में इनने 10 अंगुल बताया है, कलाए के बराबर छेद बताया है, और 25 वर्ष में 12 अंगुल बताया हुआ है, और ये 25 वर्ष वाला 70 में भी यही के यही, 70 तक भी यही का यही चलता है उसमें। तो 8 में 8, चरक में 6 में 6। अब 12 वर्ष तो यहाँ नहीं बताया, 12 की जगह 16 बताया, जैसे है ना रज का होता है ना, कोई बोलता है 12 वर्ष में उत्पत्ति होती है, कोई बोलता है 16 वर्ष में उत्पत्ति होती है, तो चरक में 12 वर्ष लिया गया है, यहाँ पर 16 स्त्रियों के लिए होता है और 25 पुरुषों के लिए होता है, ऐसा अक्सर हम पढ़ने को मिलता है हमको सुश्रुत में। तो 16 फिगर लिया जिसमें 10 अंगुल बताया हुआ है कलाई के बराबर, और 25 उसमें 12 अंगुल बताया, अधिकतम 12 अंगुल ही बता रहे हैं सभी लोग।
अब आते हैं भागवत में, तो भागवत ने कहा भैया मैं तो नकल करने वाला व्यक्ति हूँ, पहले तो हमारे गुरु लोगों ने कहा है, पहले वो जो भी कहा है वो सही कहा है। तो 1 से 6 वर्ष में 6 अंगुल चरक के जैसा, और आपके 12 वर्ष में 8 अंगुल चरक के जैसा, और 16 वर्ष में 9 अंगुल बताया है। ये थोड़ा पारिक में गलत लिखा है, वहां पर उसको सुधार सकते हैं आप। 10 लिखा है वहां पर, 16 वर्ष में 9 अंगुल बताए हैं यहाँ पर, है ना। और ये 7 वर्ष में 7 अंगुल बताए हैं, ये थोड़ा अलग है। बाकी चरक का पूरा समर्थन किया है, चरक का जो 1 से 6 में 6, 12 में 8 और 20 में 12। तो ये जो है 3, 1, 2, 3, ये चरक के जैसे बता रखे हैं। तो चरक को पूर्णता फॉलो किया और सुश्रुत से एक कदम पीछे हो गए। सुश्रुत 1 वर्ष में 6 अंगुल बोलते थे, तो 1 वर्ष में -1, 5 अंगुल। ऐसी जो है 16 वर्ष में 10 की जगह 1 -9 अंगुल बताया है ना। 1 से 6 वर्ष में 6 बताया, 12 में 8 बताया और 20 वर्ष में 12 अंगुल बताया। तो ऐसा करके याद करना है, एक तो पहली लाइन की चरक में 6 वर्ष में 6 अंगुल है, सुश्रुत में 7 वर्ष में, सुश्रुत में 8 वर्ष में 8 अंगुल है, और अष्टांग में 7 वर्ष में 7 अंगुल है, ठीक है। चरक में उसके अलावा 12 में 8 है और 20 में 12 है, भागवत भी ऐसे बताते हैं, 12 में 8 और 20 में 12। 1 से 6 की जगह 1 से 5 में 1 वर्ष में 5 अंगुल बताते हैं, 1 से 6 में 6 अंगुल बताते हैं। ऐसा करके इनको याद रखना है अपन को। फिर से समझते हैं, चरक 3 ही बताते हैं, 6, 8 और 12 अंगुल, ठीक है। 6 वर्ष से स्टार्ट करते हैं, 6 वर्ष में 6, 8, 12 में और 20 साल में 12 अंगुल। सुश्रुत में आते हैं, सुश्रुत खतरों से खेलते हैं, तो 6 से स्टार्ट ना करके 1 से स्टार्ट करते हैं कि 1 वर्ष में 6 अंगुल, 8 में 8, और फिर दो उम्र चलती है सुश्रुत में, स्त्रियों के लिए 16 और पुरुष के लिए 25, तो 16 में 10 और 25 में 12, है ना। 16 में ये मेल फीमेल जैसा ध्यान रख लो इनको, एक मेल की उम्र और एक फीमेल की उम्र, मतलब ये फीमेल की उम्र 16 बरस और ये मेल की उम्र, ठीक है। ये हो गया सुश्रुत के याद। अब हमें अष्टांग के याद करने, तो अष्टांग ने चरक को नमस्कार किया कि सर चरक जी आप जो कह रहे हैं हम बिल्कुल समर्थन करते हैं। 6 नहीं 1 से 6 में 6, 12 में 8 और 20 में जो है 12। सुश्रुत से एक कदम पीछे चलते हैं, 1 से 6 की जगह 1 वर्ष में 5 अंगुल बताया है और 16 वर्ष में 9 अंगुल बताया है। इस टाइप से दोनों का हमें याद करके रखना है। बस्ती मूल जो है अंगुष्ठ प्रमाण का होता है, यानी उसका मूल हिस्सा अंगूठे जितना मोटा होना चाहिए, और आगे का हिस्सा जो है कनिष्क उंगली जितना छोटा होना चाहिए। किसने कहा है? चरक ने कहा है। अब आते हैं बस्ती नेत्रदाता में, तो बस्ती दाता नेत्रदाता ऐसा करके फॉर्मूला बनाना है अपन को। बस्ती नेत्रदाता, बस्ती नेत्रदाता, तो बस्ती दोष चरक में अगर हम बोलेंगे तो चरक में तो स्टार्टिंग ही हमेशा 8 से ही होती है, हर चीज 8 ही है। चरस्ती दोष 8 है, बस्ती नेत्र दोष 8 है, और दाता देने में तो 10 ही लोग 10 गलतियां हो रही, ज्यादा गलती नहीं हो रही है। तो दस्ती नेत्र और दो दाता दोष जो है 8, 8, 10 होते हैं। सुश्रुत पंच महाभूत को मानते हैं, सुश्रुत में हर चीज 5 से चालू होती है, तो सुश्रुत में 5 बताई है। नेत्र दोष जो है 11 है, नीचे भी पढ़ेंगे, नेत्र की 1 से 1 होते हैं 11। और देने में सुश्रुत सर्जन है, तो सर्जन तो बहुत कम गलती करेगा भैया, उसके हाथ तो सदे हुए रहते हैं, है ना। चरक काय चिकित्सा है, एक्सपर्ट है, लेकिन ये सर्जन है, सर्जन होने से हाथ सदे हुए हैं। दाता दोष बहुत कम है सुश्रुत में। काश्यप में हर चीज की शुरुआत जो है 9 महीने से होती है, 9 महीने पर ही उनका खाता खोलता है भैया, 9 महीने के बाद में हमारी ड्यूटी आरंभ होती है। तो काश्यप में जो है 9 महीने से स्टार्ट हुआ है, 9वां फिगर है बस्ती का। 9 के बाद में आया नेत्र दोष जो है, उनने बच्चों में कम यूज होते हैं तो 6 ही बताए केवल, और बाकी देने में चरक के जैसे ही है 10। तो 9, 6 और 10 ऐसा काश्यप का फॉर्मूला है, और सुश्रुत का है 5, 11, 16, 5, 11, 6, और चरक का है 8, 8, 10। कुछ स्पेशल क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछे गए हैं, जैसे शिथिल बंध क्या है, बस सुश्रुत के अनुसार तो बस्ती दोष होता है ना। अपन ने बस्ती भी ढंग से नहीं बांधी तो बस्ती दोष होता है। चरक ने बस्ती नेत्र दोष माना है कि बस्ती नेत्र जो है वो
गीला था इसलिए अच्छे से नहीं बांधा। फिर आओ उत्लुप्त। उत्लुप्त क्या होता है? तो उत्तराखंड का क्वेश्चन है, उत्लुप्त जो है बस्ती दादा दोष माना जाता है, बस्ती दादा की गलती होती है उत्लुप्त। गुद पीड़ा जो होती है उसमें बस्ती नेत्र दोष है गुद पीड़ा, पास छिद्र एक दोष होता है बस्ती नेत्र, उसके कारण गुद पीड़ा होती है। तो गुद पीड़ा का कारण क्या है कि पास में छेद होना बस्ती नेत्र में, थोड़ा सा मतलब छेद सीधा नहीं होना, पार्श में होना। अब बढ़ते हैं कुल बस्ती व्यापत में जिनकी संख्या 76 है। सुश्रुत संहिता में इनकी संख्या 76 बताई गई है। सुश्रुत चिकित्सा अध्याय 35 में 31वां श्लोक है जिसमें ये सारे संख्याएं बताई गई हैं, वो हमको एग्जाम में पूछी जाती हैं, देखते हैं इनको याद करते हैं। तो जो पीड़न दोष है टोटल तो 76 बताए गए हैं, जो 76 जो है वो एकदम नेत्र रोगों के बराबर होते हैं, मतलब नेत्र रोग भी इतने ही होते हैं, 76 होते हैं, आप सभी को मालूम है। पीड़न दोष 4 होते हैं, दात बस्ती दोष जो है 5 होते हैं, दाता दोष जो है वो जो उनको सट प्राणिधान दोषा भी कहा जाता है दाता दोषों को, सैया दोष जो है वो 7 होते हैं। तो पहले इन 4 को याद करने का एक फॉर्मूला देते हैं कि जब भी जो भी बस्ती लगाएगा वो अपन को बुरा लगेगा कि यार तो बस्ती लगा दी बेकार मुझे, पीड़ा बस्ती दाता से, ये 4 बढ़ते क्रम में याद करने का तरीका है, पीड़ा बस्ती दाता, पीड़ा बस्ती दाता से, इससे आप याद रखोगे कि जो पीड़न दोष होते हैं, जो बस्ती दोष होते हैं, दाता दोष होते हैं और सैया दोष होते हैं, वो क्रमशः गिनती में 4, 5, 6, 7 होते हैं। याद रखने का तरीका होगा पीड़ा बस्ती दाता से। नेत्र दोष एक से एक होते हैं, एक से एक है ना, शुद्ध हिंदी में लिखने का तरीका, एक से एक, आपको सोने का ले लो चांदी का ले लो, है ना, एक से एक है हमारे पास। वैसे बस्ती द्रव भी एक से होते हैं, मदन फलादि बस्ती, गुड़ चादी बस्ती, एरंड मूलादि बस्ती, तो ये सब एक से एक होते हैं, मतलब है ना, किसी टाइम अपन ने पेशेंट को चेंज कर दी, पहले दूसरी लगती थी वे दूसरी बदल दी, तो बस्ती नेत्र दोष और द्रव्य दोष दोनों एक से एक होते हैं, यानी 11 होते हैं, ठीक है, नेत्र द्रव्य करके इनको ध्यान रखना, नेत्र द्रव 11, नेत्र द्रव की संख्या 11। टोटल ऐसे 44 हो जाते हैं जो कि वैद्य निमत्तज रहते हैं, यानी वैद्य दिन में ध्यान रखे तो ये सारे ठीक रह सकते हैं। आतुर व्यापत 15 होते हैं, तो 15 रुपये का खर्चा होगा अगर आतुर ने गलती से अनुवासन बस्ती लगानी थी लेकिन निरू लगवा ली, या निरू लगना थी अनुवासन लगा ली, तो 15 रुपये का खर्चा बढ़ जाएगा। वैद्य व्यापत कितने होते हैं? तो वैद्य व्यापत होने का 9, भाई गलत पूछ रहे हो, वैद्य व्यापत बिल्कुल नहीं होते हैं, पर ये 9 करके याद करना है, और ये 9 जो है निरू के व्यापत है, यानी कि जो 9 वैद्य जो व्यापत होते हैं उन्हीं को निरू व्यापत कहते हैं, निरू बस्ती व्यापत जो होते हैं वो 9 ही होते हैं। फिर वैद्य और आतुर दोनों की गलती अष्टांग आयुर्वेद में चलती रहती है, अष्टांग आयुर्वेद में कभी डॉक्टर टाइम पे नहीं आया, कभी पेशेंट टाइम पे नहीं उठा, घूमने चला गया, योगा कराना चला गया, नंबर टाइम पे नहीं लगाया तो बस्ती नहीं लग पाई, कभी है ना पीजी का कोई सेमिनार चल रहा है तब ध्यान नहीं दिया, तो अष्टांग में ऐसा चलता रहता है, वैद्य और आतुर की गलतियां होती रहती हैं अष्टांग में। तो अष्टांग में यानी इन दोनों की गलतियां 8 होती हैं, कुल जो है 76 होते हैं जो कि नेत्र रोगों के बराबर होती है। ऐसे करके हम इनको याद रख सकते हैं, पीड़ा बस्ती दाता से, तो पीड़न दोष 4, बस्ती दोष 5, दाता दोष 6 जिसको प्राणिधान भी दोष भी कहते हैं, सैया दोष होते हैं 7, नेत्र एक से एक होते हैं, तो नेत्र दोष द्रव्य दोष एक से एक यानी 11-11 होते हैं, टोटल 44 वैद्य निमत्तज होते हैं। आतुर व्यापक अगर गलती करी पेशेंट ने तो 15 रुपये की पर्ची कटाओ, फिर से लिखवा के लाओ कि क्या लगनी है अनुवासन की निरू। वैद्य व्यापक 9 होते हैं, बिल्कुल नहीं होते हैं, 9 या फिर निरू के जो 9 व्यापक होते हैं वही वैद्य व्यापक कहलाते हैं, और वैद्य दातो दोनों की गलतियां अष्टांग में चलती रहती हैं, तो वो 8 होते हैं, टोटल 76 होते हैं। तो ये थे पारिक का पेज नंबर 11 और 12 है, मिलते हैं अगले वीडियो में।